प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। माय नेम इज ब्रजकिशोर कुमार पंडित और आप सभी को मेरा प्यारा सा चैनल ब्रजकिशोर बेस्ट कास्ट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे न्यूमेरिकल, वो भी किस चैप्टर का। तो दोस्तों, आपको मालूम है कि मैंने पार्ट चार शुरू कर दिए हैं 12वीं क्लास फिजिक्स में, जिसका नाम है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो दोस्तों, इस पाठ के अंतर्गत मैंने 3-4 टॉपिक आपको बता चुके हैं और उससे रिलेटेड जो भी पेपर में न्यूमेरिकल बनता है उसी न्यूमेरिकल को आज लेकर आए हैं, अभी आपके सामने आपको देखते चलिए। तो दोस्तों, आप अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे चुके हैं, आप देख लीजिए, ताकि उस टॉपिक को आप देखे रहेंगे तो यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। और दोस्तों, अपना वीडियो शुरू करने के पहले छोटा सा एक आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन किसको मिले, आपको ही मिले। तो दोस्तों, चलिए एक देखिए, बहुत दर्दनाक न्यूमेरिकल है, ठीक है। इस न्यूमेरिकल को मैं बताऊंगा और एक बात बता दूं कि कंफर्म है कि इस टाइप से क्वेश्चन अगर ये नहीं पूछता है तो इस टाइप से क्वेश्चन जरूर बोर्ड में देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, चलिए इस न्यूमेरिकल को बताने के पहले सबसे पहले मैं कुछ बेसिक बताऊंगा, चूंकि बेसिक पढ़ाना तो मेरी आदत है। तो दोस्तों, आ जाते हैं, आपको बताए थे जानते हैं क्या कैपेसिटर, आपको याद होगा कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर जानते हैं दोस्तों, इसको हिंदी में क्या कहते हैं। अगर पिछले वीडियो नहीं भी देखे तो कोई बात नहीं, आप देखिए पूरा बढ़िया से आपको न्यूमेरिकल समझ में आएगा। यानी कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, इसको हिंदी में कहते हैं चालक की विद्युत धारिता, जिसके लिए फॉर्मूला C बराबर क्या होता है, Q बटा V होता है। दोस्तों, C बराबर क्या होता है, Q बटा V होता है। इसे कई बार ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल बनाकर पूछ लिए जाते हैं, तो समझिए कि वो ऑब्जेक्टिव आपसे कभी छूट नहीं सकता है इस वीडियो को देखने के बाद। दोस्तों, और बताए थे यहां पर लिख दे इसी को कि कैपेसिटेंस, देखेंगे दोस्तों कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, अगर दोस्तों स्फेरिकल कंडक्टर लिख दें तो जानते हैं फॉर्मूला क्या बनेगा, यानी C बराबर 4πε0 × r हो जाएगा। ये भी हमने आपको बताए हैं दोस्तों, आपको जरूर याद होगा कि देखिए, अगर सिर्फ कंडक्टर कहता है तो C बराबर Q/V, और यहां पर स्फेरिकल कंडक्टर कहता है, यहां पर एक वर्ड जुड़ गया स्फेरिकल, इसलिए यहां पर C बराबर 4πε0 × r हो जाएगा। और दोस्तों, कल एक और हमने आपको बताए थे, जानते हैं क्या बताए थे यानी चालक की स्थितिज ऊर्जा। तो दोस्तों, चालक की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र U बराबर बताए थे 1/2 CV² U बराबर एक और बताए थे 1/2 QA² / C, और एक और बता दिए थे, इधर लिख दे रहा हूं, U बराबर 1/2 × V × Q। तो दोस्तों देखिए, यहां से ऑब्जेक्टिव ही आप बहुत टेकअप कर सकते हैं। आप मेरा पूरा वीडियो को देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। यहां से ऑब्जेक्टिव ही पेपर में दे देता है तो आप ऑब्जेक्टिव भी बना सकते हैं, और न्यूमेरिकल देगा तो न्यूमेरिकल तो मैं बताने जा ही रहा हूं। तो फिर आइए एक एक न्यूमेरिकल कर मैं इसके सामने आपको ला रहा हूं, और देखिए इससे फाइटिंग करना है, इस न्यूमेरिकल के साथ फाइटिंग करना है तो आप कितना जबरदस्त फाइटर है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप जबरदस्त फाइटर कब बन सकते हैं क्वेश्चन बनाने में, जब आपको थ्योरम एकदम स्मार्ट तरीके से आपके दिमाग में अपलोड हुआ होगा तब। तो दोस्तों, आइए यहां से हम न्यूमेरिकल बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, आप दंग हो जाएंगे कि कितना आसान टॉप क्वेश्चन को मैं आसान तरीके से बताऊंगा। आप केवल देखते रहिए, आज के बाद ये न्यूमेरिकल डबल आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक ही बार में आपके दिमाग पर लोड हो जाएगा। तो कहता है धातु के 9 सेंटीमीटर त्रिज्या, दोस्तों यहां से उतारेंगे, धातु के 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला, एक गोला है दोस्तों, क्या एक गोला है जिसकी त्रिज्या कितना है, r बराबर 9 सेंटीमीटर है। दोस्तों, ऐसे कर सकता हूं का, अगर इसको ऐसे ही मात्रक में लिखना हो तो 9 × इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10^-2 मीटर लिख सकता हूं क्या, चलेगा ना। यानी गोले पर
4×10⁻⁶ आवेश दिया जाता है, यानी Q का मान कितना है, 4×10⁻⁶ का आवेश दिया जाता है। तो चालक के आवेश के स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें, और दोस्तों यहां पर स्थितिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला देखा जाए तो U बराबर 1/2 CV² दिया है। दोस्तों ए वाला तो लगेगा नहीं, ए वाला तो सिट करेगा नहीं, यहां पर ई वाला सिट करेगा। U बराबर 1/2 Q² C। दोस्तों ध्यान देंगे, हमें चार्ज दे रखा है, हमें C चाहिए, और यहां पर त्रिज्या दिया है, तो C निकालने के लिए, यहां पर गोला के त्रिज्या दिया है तो C निकालने के लिए पहले हम C निकालेंगे। तो C निकालने के लिए फॉर्मूला क्या जानते हैं, 4π ε₀ r। तो दोस्तों यहां से C बराबर इसका मान जानते हैं 1/9×10⁻⁹ होता है, और r का मान 9×10⁻²⁪ मीटर, और मीटर अभी नहीं लिखेंगे, यहां से ए से ये कैंसिल हो जाएगा। तो C बराबर 10⁻², ये प्लस है, ऊपर जाएगा -2, तो C बराबर 10⁻११ फैराड हो गया। तो दोस्तों ये तो C का मान आ गया। अब हमें देखिए Q का भी मान दिया है, C का मान निकाल लिए, C का मान क्यों निकाली, चूंकि यहां पर गोला दिया है तो गोले की त्रिज्या दिया रहे तो गोले की धारिता पता लगा सकते, पिछले क्लास में आपको बताया है। तो दोस्तों आपसे यू पूछता है कि यू बताइए, यानी आवेश की स्थिति ऊर्जा, चालक की आवेश की स्थिति ऊर्जा बताइए, तो 1/2 Q² C। क्या दोस्तों इसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं, क्या कहेंगे, सर सॉल्व गाड़दा उड़ा देंगे, यू बराबर 1/2 × Q² तो क्यू का मान कितना है ढूंढिए, तो यहां पर 4×10⁻⁶² अब बटा सी, तो सी कितना है, 10⁻११ है। लिखने में तो डर नहीं ना लगता है, आराम से लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यू बराबर 1/2 × इधर 4² है, 4² जानते हैं 4×4 यानी 4×16 या 10⁻⁶ में 2 से गुना कर लेंगे -12 और बटा 10⁻११ जानते हैं। यहां से काटा कुटी कर सकते हैं, ऐसा कटना है ना कि इसको तकलीफ ना हो, तो U बराबर 1/2 आगुनिक, ऐसे कहा जाता है ना कि सांप मर जानी चाहिए लाठी भी ना टूटे, ठीक उसी प्रकार ऐसा काटना कि इसको तकलीफ भी ना हो और कट भी जाए। तो यहां से देख सकते हैं, अभी यहां पर देखिए काट सकते हैं, यहीं पर 8×16, तो यहां पर 8×10⁻½, और देखिए -11 है तो ऊपर लेकर चले जाएंगे तो +11 हो जाएगा। तो दोस्तों U बराबर कितना होगा, 8×10⁻११ से 12 घटता है, नहीं घटता है तो माइनस में घटेगा, तो -1 हो जाएगा, और इसका मात्रक क्या होगा जूल, तो U बराबर 10 इनवर्स है तो बटा में 10 हो जाएगा, तो 8/10 का अर्थ हुआ 0.8 जूल। दोस्तों यही रहा आपका नोमेरिकल, उम्मीद करते हैं कि नोमेरिकल पेपर में देता है और आप आज के बाद आपको दे देना, आप गर्दा उड़ा देंगे। और इस टॉपिक को आपको याद होनी चाहिए, टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं, अगर आप नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखे हैं, आप देख सकते हैं और अपने आप को मजबूत बना सकते हैं, अपने दिमाग को मजबूत बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों मिटका देना, आप उतार लीजिए, वीडियो को पॉज करिएगा, उतारिएगा आराम से, क्लियर उतारेंगे, आप ऐसे ही बना लेंगे। तो यहां से हम मिटका दें, चलिए मिटका दिए, हाँ इसको नहीं मिटकाना है, अगर याद है तो चलेगा, मिटका भी सकते हैं, नहीं तो जानते हैं दिक्कत हो जाएगा जो पिछला वीडियो नहीं देखा है। आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर, कहता है कि 50 माइक्रोफैराड धारिता वाले ये आपको बनानी है, धारिता वाले एक संधारित्र 10 वोल्ट विभव तक आवेशित किया जाता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। तो चलेंगे,
यानी आवेशित करने में, आवेशित करने में जो किया गया कार्य होता है वही क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है, उसी को ज्ञात करनी है। तो दोस्तों आइए यहां से सल्व बताएं। अच्छा बाबू सोचो एक बात कि हमें सी दे रखा है, वो भी 50 माइक्रोफैराड दिया है, तो सी बराबर 5 आगुने 10 लिख सकते हैं का 50 के लिए, 5 गुने 10 कहे सर काहे नहीं लिख सकते हैं, हाथ में मार्कर है तो लिखने में क्या डर लगेगा, 5 गुने 10 अब माइक्रो को हटाइए तो 10 के पावर माइनस 6 ही फैराड है, तो फैराड तो सी बराबर, गुना तो करने आता है, चलिए ऐसा गुना करना कि इसका तबियत ना खराब हो जाए, तो 5 गुने यहां पर एक दे देंगे तो 10 के पावर 1 से 6 हो जाएगा माइनस 5 कूलाम। चलिए सी के साथ हमने कुछ चर्चा कर लिए, इस पर काम कर लिए, और कहता है एक संधारित 10 वोल्ट विभव तक आवेशित किया जाता है, भी का मान 10 वोल्ट विभव तक आवेशित किया जाता है, तो इसके स्थितिज ऊर्जा क्या ज्ञात करें। तो देखिए हमें सी दिया है, भी दिया है, तो सी भी तो स्थितिज ऊर्जा के लिए, इसलिए फॉर्मूला देयरफॉर यहां पर क्या होगा, यू बराबर 1/2 सी भी स्क्वायर। बताइए अब आप गुना कर सकते हैं, बताइए आप सपनों में भी गुना कर सकते हैं, हकीकत की तो बात ही दूर है। तो यहां से कैसे करना है, 1/2 गुने सी बोलिए, तो सी कितना होगा 5 गुने 10 के पावर माइनस 5 गुने भी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर कर देना है, जितना दिया है उसका स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर, तो यहां से क्या कर सकते हैं 5/2, चलिए इसके कपार पर बैठा लिए, इसको तो टेंशन हो जाएगा, इसके कपारे पर बैठा दे इसको चक्कर आने लगेगा, 5 × 5/2 आ यहां पर देखेंगे 10 के पावर माइनस 5 गुने 10 के पावर 2 है, तो चलिए अब हिसाब किताब बराबर कर दिया जाए, चलिए कर देंगे तो बढ़िया रहेगा, भाग दे दिया जाए, 2.5 होगा गुने 10 के पावर, यानी 2 से 5 जाएगा कितना होगा -3, और ऊर्जा का मात्रक क्या होगा जूल होगा। तो दोस्तों यही रहा आंसर, बताइए इस टाइप से क्वेश्चन दे दे तो क्या आप छोड़ेंगे, कहेंगे पहले आप ही आइए, आप ही का पहले स्वागत करनी है, ठीक है आप इन्हीं का स्वागत करेंगे ना, ये व्यक्ति नहीं है इसी का स्वागत करेंगे, क्वेश्चन है। तो चलिए यहां से हम मिटका देते हैं, अब अगला क्वेश्चन हम बताने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों ये भी ऑब्जेक्टिव में, भारतीय भवन के ऑब्जेक्टिव में दिया है, आप किताब खोलकर देख सकते हैं। कहता है यदि 10 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को संधारित्र को 5 वोल्ट तक आवेशित किया जाए, 5 वोल्ट तक आवेशित किया जाए, आवेशित किया जाए तो उस पर आवेश का मान क्या होगा, उस पर आवेश का परिमाण क्या होगा, आवेश का परिमाण क्या होगा। चलिए इससे आपको तो डर नहीं लगनी चाहिए, क्या आप डर गए, डरने की कोई संभावना व्यक्त नहीं होता है, डरेंगे किस लिए, डरेंगे किस लिए, डरना है तो सिर्फ एक ही बात से डरे कि हमसे गलती ना हो, और जिंदगी में कुछ से नहीं डरनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों कहता है कि यदि 10 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को, मतलब सी यहां पर सॉल्यूशन देखा जाए तो दोस्तों सी बराबर दिया है 10 माइक्रोफैराड, चलिए इनके साथ कुछ ना कुछ आया है उपसर्ग और इस उपसर्ग को हटा देना है, तो जानते हैं सी बराबर क्या करेंगे, 10 आगुने माइक्रो को हटाई तो 10 के पावर माइनस 6 से गुना ये फैराड हो जाएंगे, तो सी बराबर कितना होगा, यानी 10 के पावर माइनस 5 फैराड होगा। चलिए यहां तक तो हम आए, चलिए एक मच्छर को मैंने मारकर शहीद कर दिए, काट रहा है बेचारा इसलिए मरना पड़ा। संधारित्र को 5 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, यानी भी का मान कितना दिया है, 5 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, तो उस पर आवेश क्या होगा, मतलब क्यू बराबर वाट। चलिए दोस्तों आप देखिए सी भी दिया है, क्यू निकालना है दोस्तों, ये फॉर्मूला लग सकता है का, क्यों लग सकता है कि यहां पर सी दिया है, भी दिया है, तो क्या क्यू नहीं पता लगा सकते हैं,
कहेंगे सर आराम से c बराबर क्या होता है q बटा v, तो क्रॉस गुना करेंगे तो q बराबर क्या होगा c गुने v हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितना आसान तरीके से गुना करने आता है ना, बटा एक लेकर कैंचिया गुना, ऐसा नहीं कि बोर्ड कट जाएगा कैंचिया गुना करेंगे तो बोर्ड नहीं कटेगा, आपको काट लेना है। तो c, तो यहां पर c कितना दिया है 10 के पावर माइनस 5 आगुने भी, तो भी का मान कितना 5, तो दोस्तों q बराबर कितना होगा 5 गुने 10 के पावर माइनस 5 कूलाम। दोस्तों यही रहा आंसर, आपके ऑब्जेक्टिव में भी दिया होगा भारतीय भवन में। तो देखिए दोस्तों कितना आसान है जी, इससे डरनी चाहिए बिल्कुल नहीं, इसको डरा देनी चाहिए, डरनी नहीं चाहिए। तो चलिए दोस्तों, एक कोई व्यक्ति नहीं कि इसको डरा सकते हैं, लेकिन इसको अच्छे तरीके से हम बना सकते हैं, ये कह सकते हैं। तो दोस्तों आइए यहां से हम मिटका देना, आपकी अनुमति हो तो मैं जरूर मिटका दूंगा। अब आते हैं एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है 50 वोल्ट की बैटरी से, 50 वोल्ट की बैटरी से, 50 वोल्ट की बैटरी से 20 पीको फैराड धारिता वाले, 20 पीको फैराड धारिता वाले, 20 पीको फैराड धारिता वाले, 20 पीको फैराड धारिता के लिखें, धारिता के किसी संधारित्र को जोड़ने पर उसमें कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित होंगी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा संचित होंगी, स्थितिज ऊर्जा संचित होंगी। दोस्तों वही क्वेश्चन है लेकिन इसको घुमाने का प्रयास किया है, तो ये आधा घुमाने का प्रयास किया तो हम पूरा घुमा कर बनाएंगे कि आपको क्या दिमाग में चला जाएगा, किस तरीके से घुमाएंगे कि आपको दिक्कत ना हो। चलिए, कहता है 50 वोल्ट की बैटरी से, यानी भी बराबर दिया है 50 वोल्ट की बैटरी से 20 पीको फैराड धारिता वाले। अब देखिए C बराबर 20 पीको फैराड, देखिए अभी जितना हम आपको न्यूमेरिकल बताए ना सब में माइक्रो फैराड था, अब इसमें पीको दे दिया, तो जानते हैं डरने की क्या बात है। 12 गुने पीको को हटाने के लिए 10 के पावर माइनस 12 से गुने फैराड हो गया। तो कहता है जोड़ने पर उसमें कितनी स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा संचित होगी, मतलब U बराबर निकालना है। बताइए डरने की क्या बात है, जब हमारे हाथ में सब कुछ है, मतलब सब कुछ क्या है 1/2 CV² है, ये दिया है तो यही है। तो दोस्तों यहां से 1/2 आगुने सी, तो सी का मान 12 × 10^-12 × V² मतलब है जितना दिया है उसका स्क्वायर। तो यानी 50 के लिए 5 × 10 कर सकते हैं काजी, या कोई दिक्कत नहीं, 50 का होल स्क्वायर। अब इधर हम मिटका सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यू बराबर 1/2 कितना होगा, काट दीजिए ना, चलिए काटने आएगा 6 × 2 = 12, 6 एकम कितना होगा 6 × 10^-12 कितना है 12 × 50² मतलब 50 × 50 यानी कितना होगा 2500। तो U बराबर 6 × 10^-12, आप 2500 के लिए लिखिए 25 × 10^2 चलेगा नहीं दौड़ेगा। तो दोस्तों इससे गुना करेंगे तो 6 × 25 के 0 हार्सिलिया 3 हो जाता है, आप 12 × 3 = 15 ठीक है। तो मतलब यहां पर 150 × 10^2 में से 12 जाएगा -10, तो U बराबर हम आराम से तोड़कर बना रहे हैं कि आपको दिक्कत ना हो। तो ऐसे लिख दीजिए 50 × 10 कर लीजिए × 10^-10, तो U बराबर 15 × कितना होगा 15 × 10 × 10^-10, तो 10^ कितना होगा -9 हो जाएगा ठीक है। तो यहाँ पर U बराबर, एक बात और करिए, अगर यहाँ पर दशमलव बैठाते हैं 1.5 तो एक और घटे, यहाँ पर इधर से एक इसमें क्या होगा पावर में
कमी होगी, तो यहां पर 1.5 में 10 के पावर माइनस 8, यहां तो ऐसे बढ़ रहा है ऐसे, लेकिन इसमें कम होगा, तो 1.5 आगुने 10 के पावर माइनस 8 जूल, यही रहा दोस्तों आंसर। मुझे लगता है कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप न्यूमेरिकल इस चैप्टर का सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो सबसे पहले आप लाइक करिएगा, कमेंट्स जरूर करिए, और आप वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर करिए। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और इसी तरीके से आप वीडियो देखते रहिए और आप कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करते रहिए। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।